आप में से मेरे से पूछा था कि YouTube जो है वो फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने एक ऑप्शन, मैं आपको मैंने जो बताया था जियो सावन के थ्रू आप जा सकते हो, पर उसमें क्या है कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे ही दिखता है। अब मैं क्या हूँ कि एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू मैं आपको YouTube चलाना बताता हूँ। एंड्रॉयड ऑटो पे आप जाओगे, अब ये मैंने एक ऐप इंस्टॉल करी, कार स्ट्रीम पर आप जाओगे, तो इसमें मैं अभी होम पे गया जैसे, तो अब मैं कुछ भी अगर इसमें देखना चाह रहा हूँ तो मैंने अभी इजी न्यूज़ लगाया और ये स्क्रीन बड़ी कर दी। ये अब देखिए, ये फुल स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, वॉइस वगैरह सब आ रही है, वॉइस भी चल रही है, प्लस मेरा हैंड ब्रेक भी एंगेज नहीं है, डिसंगेज हो रखा है, प्लस अब मैं गाड़ी मेरी ऑन है, प्लस मैं मूव करता हूँ अगर गाड़ी, और मेरी गाड़ी चल रही है, और ये भी एंड्रॉयड ऑटो भी चल रहा है, यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं, मेरा मोबाइल भी ऑफ है, मैं मिररिंग नहीं कर रहा हूँ मोबाइल से, मेरा मोबाइल ऑफ है, कनेक्टेड हो रखा वायर के थ्रू, और ये पूरा फुल वीडियो चल रहा है, इसमें पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, प्लस मेरी गाड़ी भी मूव कर रही है, तो चलती हुई गाड़ी में आप इससे इसको देख सकते हो। और इस ऐप के थ्रू इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको इंटरेस्टेड है इसमें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, AAD एक ऐप आती है, एंड्रॉयड ऑटो ऐप्स डाउनलोडर, ये क्या करता है साइड लोड कर देता है ऐप्स, जो ऐप्स आपके एंड्रॉयड ऑटो में डाउनलोड नहीं हो पाती हैं। तो अब ये कार स्ट्रीम ऐप है, इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, स्क्रीन ऑटो है, उसके बाद आपकी ये मिरर है, तो मिररिंग में क्या होता है मोबाइल फ़ोन आपका ऑन रहेगा। इसमें क्या है कि मोबाइल फ़ोन मेरा ऑन नहीं है, और उसके बाद यू हैव नो रिमेनिंग डाउनलोड्स, तो इसमें एक ही आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो ये पेड वर्जन है। तो मैंने इसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, कार स्ट्रीम डाउनलोड कर देना, कार स्ट्रीम मैं डाउनलोड कर दूंगा, उसके बाद ये मेरा कार स्ट्रीम का आइकन आ गया है, और कार स्ट्रीम का आइकन आ गया है, उसके बाद जैसे मैं अपने एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करूँगा, तो कनेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पे होम पे जाते ही मेरे पास कार स्ट्रीम का आइकन आ जाता है, बस मेरे को इस आइकन को क्लिक करना है और ये मेरा शुरू हो जाएगा। और आप इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, आपको 720 रखनी है, 480 रखनी है, ये डिपेंड करता है, अभी इसमें 180 तक आप HD तक रख सकते हो, 1080 पिक्सल तक। तो अभी मैं आपको और अगर दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं जाता हूँ दूसरे वीडियोस पे, अभी यहाँ पे जैसे कोई गाने का वीडियो पे अगर मैं जाता हूँ, जो अगर मैं कोई गाने पे क्लिक करता हूँ, तो गाना भी प्ले हो रहा है और आप उसको पूरी स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें फुल स्क्रीन पे जाके ये मेरा गाना प्ले हो जाएगा, तो ये लगभग पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, बस ऊपर एक छोटा सा ब्लैक बैंड है हल्का सा, और ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन पे मेरा गाना प्ले हो रहा है, प्लस गाड़ी चलते हुए में भी मैं देख सकता हूँ वीडियो, पर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि चलते हुए आप वीडियो देखो, और गाना वगैरह वॉइस वगैरह सब चल रहा है, और इसको छोटा भी कर सकते हो आप, प्लस इसमें बुक मार्क्स भी दे रखे हैं, आप इंटरनल स्टोरेज भी चेक कर सकते हो अपनी फ़ोन का, उसमें भी कुछ अगर कोई वीडियोस हैं अगर आपके, तो उसको भी डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हो इसके अंदर। तो ये देखिए अभी मेरे फ़ोन के अंदर की वीडियो भी प्ले हो रहे हैं डायरेक्ट, और प्लस इन वीडियोस को भी मैं फुल स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो आपके फ़ोन के अंदर कुछ वीडियोस हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये मेरे कुछ वीडियोस हैं, ये मैंने एक ओली की ट्रिप भी करी थी, तो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग की तरफ से मैं जोशीमठ होके ओली गया था, तो वहाँ पे गाड़ी में कुछ मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये गाड़ी
हिल्स में कैसा परफॉर्म करती है। तो हम चार एडल्ट्स थे और दो किड थे, बच्चे बैठे थे गाड़ी में, चार बड़े लोग थे और पूरा फुल सामान पैक गाड़ी थी हमारी। और गाड़ी में कहीं पे भी मेरे को कोई इशू नहीं आया, इवन मैं थोड़ा सा बर्फ़ पे भी ले गया था तो ट्रैक्शन लूज़ वगैरह ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। अब ये मेरे वीडियोस जो हैं फुल स्क्रीन पे चल रहे हैं, मेरे वीडियोस जो मेरे चल रहे हैं फुल स्क्रीन पे, मोबाइल के अंदर की वीडियो रन हो रहे हैं। प्लस आप इसको यूट्यूब वगैरह देखना है कुछ, यहाँ से आपको अगर और भी कुछ फ़ोटोज़ देखनी है तो फ़ोटोज़ देख सकते हो आप। उसके बाद अंदर कोई म्यूज़िक आपका पड़ा है वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें ये सब काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। और ये एक प्लेक्स टीवी आता है, तो ये प्लेक्स टीवी भी होता है, इसमें आप ऐप्स वगैरह कनेक्ट करके कर सकते हो मीडिया सर्वर बना के। तो बाकी ये बुकमार्क्स हैं, इसमें आप कोई दूसरा भी बुकमार्क दे सकते हो और कुछ साइट वगैरह देखनी है, कोई वेब पेज कनेक्ट करना है तो ये सब चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। बाकी एज सच वीडियो तो आप इसमें प्ले ही कर सकते हो और वो भी अपने फ़ोन के थ्रू। तो थैंक यू, अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।